अब समस्त खंडवा जिले में निर्माण की दुनिया में विश्वसनीय कार्यों के लिए साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी। जी हाँ, सभी प्रकार के भवन, दुकान, ऑफिस, गोडाउन, मांगलिक परिसर, होटल, गार्डन, फार्म हाउस, वेयर हाउस के निर्माण कार्य और नगर पालिक निगम की TNC की परमिशन। सभी प्रकार के आधुनिक एलिवेशन, इंटीरियर, आर्किटेक्चर कार्यों के लिए संपर्क करें इंजीनियर आकाश नेबनानी, साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, मोगट रोड, तीरथ धाम, गुरुद्वारे के सामने, JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। शहर के मंदिरों में आज मनेगी जन्माष्टमी। मंदिरों में सजाई जा रही भगवान कृष्ण की आकर्षक झांकियां। खंडवा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव शहर के सभी मंदिरों में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर समस्त मंदिरों में तैयारियों का दौर चल रहा है। मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया जा रहा है। जन्माष्टमी को लेकर शहर में काफी उत्साह का माहौल है। रविवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर खंडवा के समस्त मंदिरों में आकर्षक झांकी व विद्युत सज्जा का कार्य किया जा रहा है। समाज सेवी सुनील जैन ने बताया कि मुख्य रूप से खंडवा के सत्य लक्ष्मी नारायण मंदिर, अग्रवाल धर्मशाला, राधा कृष्ण मंदिर, पद्मनगर राधा कृष्ण मंदिर, पार्वती बाई धर्मशाला मंदिर, बालाजी मंदिर घंटाघर, प्राचीन विल मंदिर, संतोषी माता श्री कृष्ण मंदिर के साथ ही मुनि बाबा मंदिर, बजरंग चौक के साथ मधुसूदन टावर गली स्थित द्वारिकाधीश हवेली एवं राधा कृष्ण मंदिर व अन्य मंदिरों में उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्साह पूर्वक मनाई जाएगी। सोमवार को मुनि बाबा मंदिर बजरंग चौक पर प्रातः पंडित नवीन शर्मा द्वारा भगवान के अभिषेक के साथ विशेष श्रृंगार एवं आकर्षक झांकी सजाई जाएगी। रात्रि 12 बजे जन्म महाआरती के आयोजन के साथ प्रसादी का वितरण होगा। घंटाघर स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी राधा कृष्णन भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा एवं बाल कृष्ण का झूला कदम के फूलों से सजाया जाएगा। भगवान पुष्पों से श्रृंगार किया जाकर दोपहर 4 बजे विशेष दर्शन के साथ रात्रि 12 बजे आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। अग्रवाल धर्मशाला में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी अग्रवाल समाज की महिलाओं ने अग्रवाल धर्मशाला में विशेष गुफा के साथ ही भगवान का आकर्षक पालना सजाया गया है। वहीं राधा कृष्ण भगवान का विशेष श्रृंगार आकर्षक पोशाकों से किया गया है। ये मंदिर बहुत अति प्राचीन है, 125 वर्ष पूर्व बना हुआ है और इस मंदिर में सबसे बड़ी विशेषता यह है सत्य लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान है और यहाँ पे प्रतिवर्ष उत्सव होता है और यहाँ अनेक प्रकार के उत्सव हर वर्ष में होते रहते हैं और भगवान का अनेक तरह का श्रृंगार होता रहता है और ये अति प्राचीन मंदिर भगवान श्री सत्य लक्ष्मी नारायण जी का है और शहर की आस्था का प्रतीक है। ये शहर का हर नागरिक भले भीतर मंदिर में ना आवे, चलते चलते भी भगवान को प्रणाम करते जाता है। ये एक आस्था का प्रतीक है और जो जिस विश्वास से, भावना से भगवान सत्यनारायण जी के यहाँ दर्शन करने आता, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिस भावना से भी आता है, जिस मनोकामना से आता है, उसके मेरे आराध्य प्रभु सत्य लक्ष्मी नारायण जी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा ये परम दयालु भगवान सत्यनारायण जी का मंदिर है। आज जन्माष्टमी का महापर्व है। प्रातः मंगला हुई उनकी, सुबह 5 बजे मंगला हुई यानी उत्थापन हुआ उनका। उसके बाद उनका दुग्धाभिषेक हुआ। दुग्धाभिषेक के बाद ठाकुर जी ने गहने से श्रृंगार हुआ उनका, वस्त्र आभूषण धारण किए और अभी ठाकुर जी की सेवा चल रही है और अभी 7 बजे उनकी मंगल आरती होगी और रात्रि में भगवान के जन्मोत्सव की आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। जय श्री कृष्ण सभी को। आज कृष्ण जन्म उत्सव के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अलग अलग थीम पर जो मंदिर को सजाया जाता है, माहेश्वरी समाज द्वारा इस बार भगवान का प्रिय पीताम्बर और भगवामय थीम पर पूरे मंदिर को सजाया गया है। पूर्व में जैसा कि हर प्रतिवर्ष किसी वर्ष राखी से, बांसुरी से, मटकियों से भगवान को जो भी प्रिय वस्तु थी उसके द्वारा सजाया गया है, इस वर्ष पूरा भगवामय, बहुत ही आनंददायक माहौल में पूरे समाज के साथियों का सहयोग है। हमारे इसमें रानू भाई के का भी सहयोग रहा, पिंटू भाई का भी इसमें डेकोरेशन में पूर्ण सहयोग रहा और सभी के सहयोग के साथ आम लोगों के लिए यह व्यवस्था रही है और सभी से ये निवेदन है कि मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए यहाँ पर पधारें। आज जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर सुबह हमारे पंडित लक्ष्मीदत्त जी दादीज एवं अमित दादी जी द्वारा प्रातः भोर में अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद
आज शाम को जो है 5 बजे श्रृंगार दर्शन आयोजित किए जाएंगे, 7:30 बजे श्रृंगार आरती होगी और बाद में जन्माष्टमी पर जन्म उत्सव मनाया जाएगा। और इस बार जहां प्रसादी के रूप में भी केसरिया थीम के अनुसार केसर युक्त केसरिया दूध का वितरण किया जाएगा और पंजेरी एवं फलफ्रूट का प्रसाद वितरित किया जाएगा। बहुत अति प्राचीन मंदिर है, प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का सामाजिक एक अनुष्ठान हो रहा है। इस बार हमने हरे उस पर रंग पे पूरी वो करी है, हरियाली पहने अपनी पूरी थीम रहेगी इस पर। और शाम को दर्शनार्थी आएंगे, 12 बजे पूर्णावृति आरती होगी भगवान की, उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्य किया जाएगा जो निरंतर चलेगा रात्रि तक। और सामाजिक क्षेत्रों में यहाँ पे भजन मंडली आएगी, बालाजी भजन मंडली के द्वारा कार्यक्रम पूर्ण किया जाएगा, भजन चलेंगे भगवान के शाम को 7:30 बजे बाद से कंटिन्यू।